गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अब मैं आपको पहले वीडियो में भाषा पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। पहले भाषा के संसार। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं हैं, जैसे देश, किस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है मैं आपको बताऊंगी। भारत में हिंदी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, रूस में रूसी भाषा बोली जाती है, फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, चीन में चीनी और स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है। भारत की प्रादेशिक भाषा से प्रदेश में भाषाएं होती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, मध्य प्रदेश में भी हिंदी, राजस्थान में भी हिंदी, बिहार में भी हिंदी बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती और हिंदी दोनों बोले जाते हैं, महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी बोले जाते हैं, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ बोले जाते हैं। आपने पढ़ा कि अधिकांश प्रदेशों में हिंदी ज्यादातर बोली जाती है, इसलिए हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, इसलिए ज्यादातर कई प्रदेशों में हिंदी ज्यादातर बोली जाती है। तो हमारे किस देश में कौन सा भाषा बोली जाती है आपको बता दिए। आप लोग की बुक में भी है पेज नंबर 8, हिंदी व्याकरण के बुक में पेज नंबर 8 में आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा। अब लिपि किसको कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। ये चिन्ह ही भाषा की लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है और इसी तरह भाषा की लिपि अलग अलग होते हैं। पंजाबी भाषा का गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी में रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये हमारा लिपि हो गया। लिपि ऐसे ही कई तरह की भाषाएं की अलग अलग लिपि होती है। व्याकरण हम किसे कहते हैं? व्याकरण देखिए, जैसे कि एक लड़की दुकानदार से कह रही है, वो सामान लेने, जैसे साबुन खरीदने गई है तो कह रही है मेरे को साबुन मांगा, ये अटपटा बोल रही है ना, अच्छा शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं बोल रही है, मेरे को साबुन मांगना, ये क्या है? इसको उस लड़की को कहना चाहिए मुझे साबुन चाहिए। ये देखो शुद्ध व्याकरण, शुद्ध वाक्य होता है। व्याकरण का ज्ञान होने से हम शुद्ध भाषा बोल सकते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, इसी को हम व्याकरण कहते हैं। शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना हमारा व्याकरण है। जैसे हम कुछ ऐसे गलत शब्द बोले, अटपटा लगे, उसको सही सही बोले तो व्याकरण होता है। व्याकरण हम इसी को कहते हैं। बेटा, आप भारत का संसार, किस किस देश में आप कौन सा भाषा बोलते हैं मैं बता दी आपको। लिपि के बारे में बता दी कि कौन कौन सा लिपि होता है, किस भाषा का कौन कौन सा लिपि होता है। व्याकरण भी बता दी, इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़िएगा और इसको याद करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।